हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कीज रसोई। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ न्यू यूट्यूबर्स के लिए। जो भी नए यूट्यूबर हैं, आपने अपना चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, 10, 12, 15 वीडियोस भी आप डाल चुके हो, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताने वाला। बहुत काम की चीज़ें हैं, आपके चैनल पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप ये वीडियो की जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको फॉलो करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक में कवर करूंगी। पहला चीज़ जो न्यू यूट्यूबर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रेगुलरिटी। बहुत से लोग कहेंगे कि आप हफ्ते में एक वीडियो डालते हो तो भी काम चलता है। मैं कहूंगी नहीं, आप डेली वीडियो अपलोड करिए, और डेली नहीं कर पाएँ तो अल्टरनेट डे वीडियो अपलोड करना ही है आपको। इससे क्या होगा, इससे फिर तीन बातें होंगी। हर चीज़ में तीन तीन बातें मैं निकाल रही हूँ, तो इससे फिर तीन बातें हो जाएंगी। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हो तो आपका चैनल अच्छी तरह सर्च में आएगा। कोई भी आपका चैनल सर्च करेगा और उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर सर्च करेगा तो यूट्यूब आपका चैनल ऊपर शो करेगा, तो बहुत अच्छी तरह चैनल सर्च में आएगा अगर आपका वीडियो काउंट ज़्यादा है तो। सेकंड टाइम है डब्ल्यूटी बढ़ेगा। हम लोगों ने सबने अपना डब्ल्यूटी कंप्लीट किया है लाइव स्ट्रीम कर करके। बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं, हम लोग भी सब लाइव स्ट्रीम में लगे रहते थे, लेकिन अगर आप डेली वीडियो या अल्टरनेट डे वीडियो डालते हो तो हो सकता है कि आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करनी पड़े। आप अपना WT वॉच टाइम जो है वो अपने वीडियो से ही कंप्लीट कर सकते हो। डेली वीडियो डाल रहे हो, डेली वीडियो वॉच हो रहा है आपका, तो ऑब्वियसली आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो 4000 आवर्स का जो क्राइटेरिया है, 4000 घंटे का, वो आप डेली वीडियो से ही कंप्लीट कर सकते हो। बहुत बड़ा फ़ायदा है ये, आप आगे चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, कि आपकी टेक्निक बढ़ेगी, आपकी टेक्निक इम्प्रूव होगी, आपको समझ में आएगा। मैं बता रही हूँ, शुरू में जो सब लोग वीडियो डालते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब के वीडियो पोर्ट्रेट में नहीं बनाए जाते हैं, यूट्यूब के वीडियो लैंडस्केप में बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी एक्सपीरियंस से आती है, कि शुरू में वीडियो डालती थी अपना ऐसे ही ये वाला पोर्ट्रेट करके डालती थी, तो बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे वीडियो सबसे अलग हैं। तो बहुत से यूट्यूबर्स जो करते हैं वो यही काम होता है, कि कैमरा एंगल आपको समझ में आएगा, आपको अपनी वॉइस क्वालिटी समझ में आएगी, आपको लाइटिंग समझ में आएगी, आपका हाथ साफ होगा वीडियो मेकिंग में कि कैसे करना है समझ में आएगा। 10, 20, 50 वीडियो में किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, कैसे वीडियो बनाना है। बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी देखेंगे आप, उनके शुरू के 10 वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो यूट्यूबर्स आज कहाँ हैं। मतलब आज की क्वालिटी और तब की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो शुरुआत सबकी स्क्रैच से ही होती है, तो धीरे धीरे बनाते बनाते आप जब 15, 20, 30 वीडियो बना लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि क्या करना है, कैमरा एंगल क्या है, लाइटिंग कहाँ से चाहिए हमको। जैसे जैसे आप वीडियो बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर होती जाएंगी, तो आपकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी, जो कि यूट्यूब पर मैटर करती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फेस कैम करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, कि आपका कंटेंट इज़ द किंग, आप कंटेंट से व्यूज़ लेते हो, आप कंटेंट से सब्सक्राइबर लेते हो, तो फेस कैम करना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आजकल के टाइम में यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन है, किसी भी कैटेगरी का चैनल हो आपको भयानक कॉम्पिटिशन मिलेगा, तो उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको अपने चैनल पर, अपने वीडियो पर प्रजेंट रहना है। आप थोड़ा सा फेस कैम करो, थोड़ा ज़्यादा करो अपने कन्वीनियंस से, लेकिन आपको अपने वीडियोस में, अपने चैनल में प्रेजेंट रहना है। पहले की बात अलग थी कि आपका डालते ही कंपटीशन कम था, डालते ही चैनल मोनो हो जाता था, मैंने फर्स्ट वीडियो से उनका एड रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता था, जो कि अब नहीं है। अब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, तो आपको फेस कैम अगर करते हो तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके चैनल के साथ में, आपका ब्रांड बनेगा और आपका इम्पैक्ट अपने वीडियोस में आएगा। तो आपको अपने आप को वीडियोस में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा फेस कैम करिए जैसा पॉसिबल हो, अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अपने वीडियोस में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। किसी भी कैटेगरी का, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो, आपका कुकिंग हो, कोई भी हो, तो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन योर वीडियोज़, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। मैं नहीं कहती कि मिलियंस में व्यूज आएंगे, लेकिन आपके चैनल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। हाँ जी, अब थर्ड पॉइंट की बात आती है। थर्ड पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट ऑन वॉचिंग योर इपिटोम्स। आप जिस भी कैटेगरी के हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इपिटोम्स होंगे, जो
बेस्ट कर रहे होंगे उनकी फील्ड में, या अपने साथ के यूट्यूबर्स होंगे जिन्हें आप बहुत पसंद करते होंगे, उनकी वीडियो क्वालिटी, उनके बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद होगा, तो उनको वॉच करना है आपको डेली आधा घंटे। आप अगर कुकिंग के हो तो कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी ईमेल मान सकते हो। तो आप अगर कुकिंग के हैं तो रक्षा की रसोई है, कुक विद पारुल है, रणवीर ब्रार है, किसी को भी आप जिसको पसंद करते हो उसको आपको डेली आधा घंटा वॉच करना है। कैसे वीडियो बन रहा है, कहाँ से लाइट आ रही है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बातों में वो इंटरेस्ट बनाए हुए हैं ऑडियंस का, तो ये सब चीज़ें आपको देखने से समझ में आएंगी। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब रेगुलर वॉच करते रहोगे तो वो चीज़ें आपको अंदर आपके महसूस होंगी, आपके अंदर आपके वीडियोज़ के अंदर आने लगेंगी। कोई भी चैनल हो, अपने चैनल के जो बेस्ट लोग हैं, पिटोम्स हैं, उनको ढूंढिए और उनको थोड़ा सा वॉच करिए, आधा घंटा डेली उनको वॉच करिए। बहुत चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी और बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आप उन जैसा बनने के लिए आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। तो तीनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। रेगुलरिटी बनाए रखनी है आपको, फेस कैम अगर कोई बहुत दिक्कत नहीं है तो ज़रूर करना है, मैं बट इन्वेस्ट इन वॉचिंग, इन्वेस्ट करना है इपिटोम्स को वॉच करने में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होप चैनल अच्छा सा ग्रो करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।